आपको जितना जो भी चीज बनानी है उसके लेंथ के हिसाब से 6 से मल्टीपल प्लस 2 फंदे आप लेंगे, चेन बनाएंगे, और इसके ये 6 फंदे 6 चेन का ये एक शेल होता है, मतलब बनेगा। आप जो भी, जैसे आप अगर बेबी ब्लैंकेट बना रहे हैं या जो भी चीज आप बना रहे हैं, आप ये अपने उसके 6 से मल्टीपल और 2 फंदे। और इसके लिए सिंपल है, ऐसे स्लिप नॉट जो लगाते हैं ऐसे स्लिप नॉट लगा लेंगे। और इस वाले पैटर्न में, पर्टिकुलर इस वाले पैटर्न में मैंने कुल 24 फंदे लिए हैं, बस ऐसे जैसे चेन बनती है नॉर्मल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ये 26, ये हमारी 26 चेन बन गई। ये आपको जो पीस बनाना है आप उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग चेन बना लें और 6 से मल्टीपल देख लें, या हमारी 24 स्टिचर चेन हो गई। फिर इसमें 2 चेन एडिशनल ले लेंगे, 1 और ये 1 2। ये टर्निंग चेन मतलब मुड़ने के लिए, जैसे कि ये तो आपकी जितनी चाहिए उतनी है और 2 ये एक्स्ट्रा चेन्स हो गई। ये हमारा बेसिक जो डिज़ाइन का बेस है वो चेन बन गई। इसके फर्स्ट रो में हमें क्या करना है, इस वाले जो क्रोशिए के ऊपर जो होता है इसको हम काउंट नहीं करते, तो हम पहली, आपको दिख रहा होगा पहला और दूसरा चेन छोड़ के, मतलब 2 चेन स्किप करके हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 और ये 3 वाली में हमें 1 सिंगल क्रोशिया बनानी है। और जब भी आप हुक इंसर्ट करें तो इसमें देख लें आपके क्रोशिए के ऊपर 2 स्ट्रिंग्स आए तो वो खिंचा नहीं है, बहुत बड़ा होल नहीं बनता। ये देखिए आपको विजिबल होगा, ये 2 स्ट्रिंग्स हैं धागे ऊन के हैं। सिंगल क्रोशिया तो आपको पता ही है, इसमें से ऐसे निकाला, अब आपके क्रोशिए पे ये 2 धागे हो गए और ये 2 का 1 कर लेंगे। ये हमारी 1 सिंगल, 2 चेन स्किप करके और फिर उसके बाद 1 सिंगल क्रोशिया हो गई। फिर उसके बाद हम 2 चेन स्किप करेंगे, ये देखिए ये पहली तो हो गई, 1 2 2 स्किप करेंगे और क्रोशिए पे ऐसे धागा लपेट के ये 1 और 2 स्किप करके और तीसरी वाली चेन में हम ऐसे धागा क्रोशिया घुसाएंगे और ये हमारे क्रोशिए पे 3 धागे हैं, 1 2 3। अब ये 3 का 2 हुआ, फिर धागा लपेटा, 2 का 1, ये हमारी डबल क्रोशिया हो गई। सेम होल में हमें ये 5 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 1 तो हमारी बनी गई थी, सेम होल में ये 2 ये 3 और ये हमारी 4, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, लास्ट ये 5, ये 5 डबल क्रोशिया हमने सेम होल में 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में हमने बना ली। फिर उसके बाद हमें 2 1 2, फिर से 2 चेन स्किप करके और तीसरी वाली में 1 सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है। ये ऐसे 2 हैं, धागा लिया, 2 का 1, फिर उसके बाद डबल क्रोशिया, 2 चेन स्किप करके 1 2 2 स्किप किया और ये तीसरी वाली में 5 डबल क्रोशिया, ये 1, ठीक है, सेम में बनानी है। 1 जैसे ये वाला 1 शेल हमने बना लिया, ये 1 वाला कंगूरा कहिए, शेल कहिए, जो आपको इजी पड़े। 2 3 4
ये लास्ट 5। इसी तरह से करते हुए दो स्किप करके फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर दो स्किप करके फिर 5 डबल क्रोशिया, ऐसे करते हुए हम लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट एंड तक हम यही चीज़ रिपीट करते रहेंगे और अंत में जो है अगर हमें कलर बदलना हो तो हम यहीं पे रिपीट करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से करते हुए दो चेन स्किप किया, तीसरी में सिंगल क्रोशिया, फिर दो स्किप किया, फिर ये 5 डबल क्रोशिया, ऐसे करते हुए हम लास्ट में आ गए। ये लास्ट में हमारी एक चेन बची है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया ऐसे इसे कर देंगे। अगर हमें ऊन चेंज करना, अगर हम चाहें तो इसको एक कलर में भी, ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 सेल्स कंगूरे बन गए, और अगर हम चाहें तो सेम कलर से भी इसी तरह हम रिपीट करते जाएंगे। अब नेक्स्ट इसके ऊपर इस तरह से ऐसे बनता जाएगा। लेकिन अगर हमें कलर चेंज करना है तो हमारी जो लास्ट सिंगल क्रोशिया होगी, हमारे क्रोशिया में ये देखिए 2 धागे हैं, तो अगर हमें कलर चेंज करना है तो हम इसी में कलर भी चेंज करेंगे। ये ऐसे दूसरा कलर हमने लिया, ये हमारे क्रोशिया पे 2 धागे हैं वाइट वाले के। अब हमें जो कलर नेक्स्ट कलर अपना लगाना है, अगर सिंगल रखना है तो नो प्रॉब्लम, अगर ये लगाना है तो ये दो धागों में दूसरा कलर ऐसे लगा के 2 का 1 कर देंगे और ऐसे ही थे पीछे से ऐसे वाइट वाले ऊन को ऐसे टाइट कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम एक चेन लेके, ये ऐसे एक चेन लेके हम अपने काम को ऐसे पलट लेंगे, ये ऐसे यहाँ टाइट कर लेंगे और पकड़ एक चेन लेके इसे पकड़ लेंगे, पलट लेंगे, और ये वाली जो रो है ये हमारी बेसिक रो थी। अब इसके बाद हमारा जो ये बना हुआ प्रोजेक्ट है हम इसी में काम अपना शुरू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी ये वाइट कलर है, मुझे येलो कलर लगाना है तो येलो कलर के लिए ये मेरा यहाँ से हमें हर बार कट करना पड़ेगा। ये हमने कट कर लिया और ये यहाँ पे हमें ये सिंगल क्रोशिया बनानी है, ये ऐसे सिंगल क्रोशिया बनानी है और हमें यहीं पे अपना येलो कलर भी लगाना है। ये येलो कलर लगा के ये 2 फंदों का हम एक फंदा कर देंगे, ये ऐसे धागा को ऐसे पकड़ लेंगे और यहाँ एक चेन लेके हम इधर पलट लेंगे और ये वाइट वाले धागे को ऐसे टाइट कर लेंगे और फिर बेसिक रो हमने इसमें बना ली थी। अब उसके बाद ये जो सेकेंड और थर्ड रो है यही हर बार रिपीट होती रहेगी। चेन लेके हमने पलट लिया, अब इसमें हमें जिसमें से हमने ये धागा पलटा था इसी में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इसी सेम स्टिच में हमें 3, 1, 2 ये हाफ शेल हमारा बनेगा। ये 3 डबल क्रोशिया बन गई, देखिए ये जो नीचे वाला ये इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया हो गई। फिर हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन स्किप करनी है, फिर देखिए ये 1 और ये 2 चेन स्किप करके ये जो बीच में यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी इसमें हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। अब मैं इसी वाले में इसमें आपको बाद में दिखाती हूँ, आपको क्लियर नहीं होगा इसलिए मैं इसी वाले पे फिर बता रही हूँ। ये हमारा सेकंड राउंड है, ये हमने बना के यहाँ कलर चेंज कर लिया, फिर एक चेन लेके हमने पलट लिया। अब जहाँ पे ये बनाया था उसी में सेम में हमें हाफ शेल बनाना है, तो 3 डबल क्रोशिया, 1 धागा लपेटा इसमें डाला, 3 का 2 फिर धागा लपेटा, 2 का 1 फिर इसमें धागा लपेटा ऐसे, ये 3 का 2 2 का 1
उसके बाद हम यहाँ पे दो चेन स्किप करेंगे, देखिए एक और दो, ये जो सेल हमारा पहले वाला वाइट से बना है, एक दो हमने स्किप किया और तीसरे वाले में ऐसे क्रोशिया घुसाएंगे। और क्रोशिया जब भी घुसाएं, ये देखें क्रोशिये पे आपके दो धागे आए, ये वी से दो धागे दिखें, और फिर इसमें हम सॉरी मैंने धागा लपेट लिया, यहाँ पे दो स्किप करके तीसरे वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर धागा लेंगे और जो ये नीचे वाले में ये सिंगल क्रोशिया बनी है, इस वाले स्पेस में आपको ये दिख रहा होगा ये स्पेस, इसमें ऐसे क्रोशिया दिखाएंगे घुसाएंगे और ये दो धागे दिख रहे हैं और इसमें हमें पांच डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक डबल क्रोशिया, धागा लपेटा, इसमें घुसाया, धागा लिया, ये तीन हो गए, धागा लपेटा, तीन का दो, धागा लपेटा, दो का एक, ये दो बन गए। इसी तरह से हमें पांच डबल क्रोशिया बनाने हैं, तीन चार और ये पांच। पांच डबल क्रोशिया बनाया। अब ये देखिए ये एक दो, दो चेन हमने छोड़ी और ये तीसरे वाले में यहाँ पे ऐसे जाके एक सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, क्रोशिया पे धागा लपेटा और जो ये सिंगल वाला क्रोशिया है दो इसके बीच से ऐसे निकाला और यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो पहले नीचे वाली ये सिंगल क्रोशिया है, इसमें से डबल क्रोशिया पांच, फाइव डबल क्रोशिया, टू थ्री फोर एंड लास्ट फाइव। फिर ये देखिए एक और ये दो छोड़ा और तीसरी वाली में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये धागा लपेटा, ये जो दिख रहा है इस सिंगल क्रोशिया में पांच बार ये डबल क्रोशिया, फाइव टाइम्स डबल क्रोशिया, वन टू, सेम स्पेस में फाइव टाइम्स डबल क्रोशिया बनाना है, टू थ्री फोर ये लास्ट फाइव। फिर यहाँ देखिए ये दो डबल क्रोशिया है, इसमें एक दो, दो स्किप करके और ये तीसरी वाली में जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें ये आपके पास देखिए हमेशा याद ध्यान रखिए ये दो धागे दिखने, फिर इसमें एक सिंगल क्रोशिया। अब हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमें क्या करना है, से वन यहाँ पे हमें जैसे हमने यहाँ पे ये हाफ बनाया था उसी तरह से ये तीन स्किप किया और यहाँ पे हमने ये तीन डबल क्रोशिया एक सेम स्पेस में, दो ये तीन और ये लास्ट वाले में हम तो गांठ है यहाँ पे एक ये डबल क्रोशिया ये सिंगल क्रोशिया। अगर हमें ऊन चेंज करना है तो हम यहीं पे ऊन चेंज कर लेंगे, जब ये पिछले वाले ऊन के दो धागे बचें तो यहीं पे हम नेक्स्ट ऊन चेंज कर लेंगे। जैसे हमें अगर वाइट वाले को ही रिपीट करना है तो मैं यहाँ पे ये वाइट वाला काट लेती हूँ और सेम वाइट वाले को ही हम रिपीट कर लेते हैं। सारे रिगार्डिंग ये देखिए दो धागे का हो गया, मैंने ये कलर दो वाइट कलर फिर से लगा लिया। अब तीसरा रो है यहाँ पे, तीन एक चेन लेके हम ऐसे पलट लेंगे, फिर दो चेन छोड़ के एक और दो, दो चेन छोड़ के और जो ये वाला है एक और दो, दो एक चेन बनाई, दो चेन स्किप किया और फिर उसके बाद इसमें जो ये सिंगल क्रोशिया था यहाँ पे हमें
पांच डबल क्रोशिया बनाना है ये इस वाले स्पेस में, वाइट के ऊपर वाइट ही बनेगा ये। एक दो तीन चार ये पांच, फिर यहाँ पे दो चेन स्किप करके एक और दो स्किप किया सेम जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। फिर इस वाले सेंटर में जो पिछले वाले रो की जो उस सिंगल क्रोशिया थी उसके सेंटर से ऐसे क्रोशिया घुसाएंगे और यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन चार पांच और फिर देखिए एक और दो, दो स्किप की और तीसरे वाले में एक सिंगल क्रोशिया। फिर ये जो बीच इसके नीचे वाली ये सिंगल क्रोशिया है इसमें पांच डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार और ये पांच। फिर यहाँ पे ये दो एक और दो स्किप किया और तीसरे में ये सिंगल क्रोशिया। और फिर इसी तरह से यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया और लास्ट वाले में हम यहाँ पे लास्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करके ख़त्म कर देंगे। और फिर अगर ऊन चेंज करना है तो हम इसी तरह ऊन चेंज करते हुए ये जो हमारी सेकेंड और थर्ड रो है सेकेंड और थर्ड रो ही हर बार रिपीट होती जाएगी और जो फर्स्ट रो हमने बनाई थी वो हमारी बेसिक बेस रो है। और इसी को आप एक कलर दो कलर तीन चार जितने भी कलर में आपकी मर्जी हो आप रिपीट करते हुए सुंदर सा पैटर्न बना सकते हैं और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।